नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। जीएसटी के अधिकारी के आने और छापेमारी करने का खौफ शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी बड़े व्यापारियों सहित छोटे छोटे दुकानों में देखने को मिला। तीसरे दिन भी बंदी जैसा माहौल रहा। शहर की बात क्या करें, ग्रामीण क्षेत्र के चौराहे एवं गाँव के अंदर की दुकानें भी बंद रहीं। उतरौला कस्बे में तो लॉकडाउन जैसी स्थिति देखने को मिली। मेडिकल की दुकानें के साथ किराना, कपड़ा, भोजनालय, बिस्टानियाँ तक की चाय की दुकानों भी नहीं खुली। इस प्रकार से दुकानों के बंद होने से एक तरफ जहां व्यापारियों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ नागरिकों को जरूरत की वस्तुओं के लिए उन्हें इधर उधर भटकना पड़ रहा है और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी के आने और छापेमारी करने का खौफ शुक्रवार को उतरौला कस्बे के श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौराहा सहित सभी महत्वपूर्ण चौराहों गांव में देखने को मिली और प्रमुख चौराहों सहित ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों की दुकानें बंद रहे। शुक्रवार को उतरौला कस्बे सहित प्रमुख चौराहों पर सन्नाटा पसरा, जिससे लॉकडाउन जैसा माहौल हो गया हो। व्यापार मंडल अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता इस संबंध में बताया कि किसी भी दुकानदार को डरने की जरूरत नहीं है। व्यापारियों का समूह जीएसटी विभाग के अधिकारियों से मिला है। हम लोगों ने अधिकारियों से बात की और अधिकारियों ने कहा है कि हम व्यापार मंडल अध्यक्ष को विश्वास में लेकर ही किसी प्रकार की कार्रवाई करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।